I was very high hoping that eventually I will get into the KitKat Club, but when I went there to the KitKat Club, unfortunately the bouncer says me no and अभी मैं उठा हूँ तो मैंने सोचा है कि बर्लिन की नाइट लाइफ एक्सप्लोर की जाए, और अभी मैं बर्लिन नाइट लाइफ एक्सप्लोर करूँगा। इससे सबसे पहले हम तैयार होते हैं क्लब जाने के लिए। तो ये आज हमारा आउटफिट है क्लब के लिए, क्योंकि आपने एक्सक्लूसिव होके जाना पड़ता है। और आप देख रहे हैं, सोच रहे हो जैकेट क्यों, क्योंकि बाहर बर्लिन में गर्मी और जून में भी सर्दी है, तो इस वजह से जैकेट एंड देन जरा ठीक है। एंड देन हम नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कोई बर्लिन का कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है। लेट्स सी कि हमें एंट्री मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि अक्सर लोगों को वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, क्लब्स में एंट्री करना मुश्किल है। तो मेरा जो आउटफिट है वो भी लाइक क्लब वाइज ही है, जैकेट इस वजह से क्योंकि यहाँ पे सर्दी है, अराउंड 15 टेम्परेचर है जो कराची से है, उसको सर्दी बहुत है। गाइस जैसे कि पता है ना, एंट्री बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो आई गॉट डिनाइड फ्रॉम मैट्रिक्स क्लब से मुझे एंट्री नहीं मिली। आई गॉट डिनाइड टू गेट इन द क्लब। ये बड़ा मसला है, कोई बात नहीं, निराश नहीं होंगे। लेट्स So after waiting for the couple of 20 minutes, I was lucky to get into the club. So there was a girl behind me, and then she was a German lady, and then she told me the name of the club. I already knew the name of the club, but she told me the theme, what is the DJ name and who is the name of the DJ, and that eventually let me into the club.